राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने के बाद गुरुवार को बोड़ो स्थित आवास में उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। मालूम हो कि अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने एक वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अबरार अहमद को शिकस्त दी। डॉक्टर सरफराज अहमद को कुल 5 वोट मिले जबकि अबरार अहमद को 4 वोट मिले। डॉक्टर अहमद का झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने पर उनके चाहने वालों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। तमाम लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। मौके पर श्री अहमद ने कहा कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसका वे बखूबी निर्वहन करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है और हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके आशीर्वाद से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काम करना है। हमको ऑफिस तो है इसका, नियमावली भी कैबिनेट से पास है, अभी बन रही है और माने प्रिंट में गया हुआ है और उसके बाद बहुत सारी माने जो कमियां हैं वो सब पूरे होने के बाद क्योंकि ऑफ जो जो कर्मचारी हैं कुछ उन सब की कमी है वो हम लोग राज्य सरकार से मांगेंगे और जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है वह बोर्ड बनता है प्रत्येक राज्य में उसी उद्देश्य से झारखंड में भी एक लंबे अरसे के बाद बना है। हमारे जो वक्फ को डोनेटेड जो ज़मीन है या जो भी लोग कुछ देते हैं तो उस मकसद के तहत वो देते हैं कि इस ये आगे कुछ अपने कौम के गरीब लोगों को मिस्कीन लोगों को अदारे को स्कूल चलाने के लिए हॉस्पिटल के लिए मदरसे के लिए इन सब चीज़ों में वो काम आएगा। क्योंकि अभी बहुत झारखंड के वक्फ की ज़मीन कुछ पेपर्स अभी कुछ किया अभी हम लोगों को बहुत कम मिला है बिहार सरकार से और ज़्यादा पार्ट अभी बिहार में ही है तो सबसे पहले तो उसको हम लोगों को मंगवाना होगा और आइडेंटिफाई करवाना होगा कमिश्नरी वाइज कि कहाँ कहाँ वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है पूरे झारखंड में 2400 ज़िला में और फिर किसके कब्जे में है माने जेन्युइन लोगों के कब्जे में है या गलत लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं उसको छुड़ाना होगा। छुड़ा करके सिस्टम के अंदर सब चीज़ को लाना होगा इसलिए बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेवारी का काम है और इंशाल्लाह हम अपने साने इमरान जो हमारे हैं उनसे मिलकर और कुछ न कुछ हम लोग रास्ता हमवार करके अपने काम में जल्द से जल्द लगे। सर झारखंड वक्फ बोर्ड का गठन 2008 में हुआ है लेकिन अभी भी उसका कुछ संवैधानिक जो शक्तियाँ है वो हमें वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें इसकी नियमावली अप्रूवल हुआ है उसका और वो अभी गया हुआ है पब्लिकेशन में वो भी आने के बाद फिर उसकी क्या शक्ति है कैसे काम करेगा कौन मेंबर कैसे करेगा वो सब चीज़ उस नियमावली में रहेगा। सर बोर्ड में सीईओ का पद अभी प्रभार में चल रहा है ये कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो सीईओ अभी हैं ये 3 प्रभार में हैं। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं वही मैनेटरी कमीशन के सीईओ हैं और एक चीज़ एक और प्रभार उनको है वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं तो वो बेचारे भाग दौड़ में लगे रहते हैं और अब यही सब बातों को लेके हम लोग फिर आज भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा काम करने में सहूलियत नहीं होगी तब तक हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। अब अधिकारियों की कमी है वहाँ पे ऑफिस तो है हज हाउस में भी चौथे फ्लोर पे पूरा फ्लोर वक्फ बोर्ड का ही ऑफिस है अब जाइएगा तो देखिएगा लेकिन स्टाफ की कमी है कर्मचारियों की बहुत कमी है। वो बहाली हम लोग नहीं करेंगे बहाली किस चीज़ की हमको ज़रूरत है कितने कर्मचारियों की
वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड से गया हुआ है डिपार्टमेंट में। सर वक्फ बोर्ड में लगभग 152 ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी भी बिहार सरकार से उसके कागजात या वो। आपने सही कहा, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे कागजात अभी झारखंड के वक्फ के कागजात जो झारखंड को मिलना चाहिए था वो बिहार वक्फ बोर्ड के पास जमा है। अब हम लोग उसमें पहल करके बिहार के झारखंड के अंदर जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है जो पेपर बिहार के पास है उसको हम लोग मंगाएंगे और फिर इसमें छानबीन करके उसको हम लोग आगे लेके संपत्तियां अतिक्रमण किया हुआ वक्फ बोर्ड का उस पर एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग।